ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है अहिल्यापुरी इंदौर से ब्रह्मा कुमारी अफसाना का स्वकथित अनुभव। सर्दियों के दिन थे, मैं रोज़ाना की मुआफिक साफ पाक घर के आंगन में मीठी धूप में बैठकर कुरान मजीद पढ़ रही थी। इसी वक्त एक सफ़ेद लिबासधारी पैगंबर आदमजादा अर्थात ब्रह्मा कुमार आया। मेरा कुरान पाठ पूरा होने के पश्चात पैगंबर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, बहन जी आप कब से कुरान पढ़ रही हो? मैंने जवाब दिया, लगभग 2 वर्षों से रोज़ाना पढ़ती हूँ। पैगंबर ने दोबारा पूछा, इससे आपको क्या प्राप्ति हुई है? मैं बोली, रमज़ान के महीने में मैं रोज़ा रखती हूँ, इबादत भी करती हूँ और 12 महीने रोज़ाना कुरान पढ़ती हूँ। इसकी एवज़ में खुदा हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ करेगा और बहिश्त में दाखिला देगा। मेरी बात सुनकर पैगंबर धीरे से मुस्कुराए और बोले, बहन जी मैं आपके लिए खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ। आप सबके अजान को खुदा ने कबूल किया और 5वें आसमान से इस ज़मीन पर आया हुआ है और हज़रत आदम के द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा तमाम मज़हबों की रूहों को अर्थात हर धर्म की आत्माओं को रूहानी इल्म की तालीम देकर अर्थात रूहानी ज्ञान देकर बहिश्त का बादशाह बना रहे हैं। बहिश्त में जाने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप स्वयं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाकर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों से रूह रिहान करते हैं। आप अल्लाह का दीदार भी कर सकती हैं। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसी बातें ना तो कभी सुनी थी और ना ही ख्वाबों में सोची थी। पैगंबर के कई दिनों के आग्रह से मैंने निश्चय किया कि आज जाकर देखती हूँ, आखिर यह पैगंबर मुझे रोज़ बरोज़ बोल रहा है तो कुछ विशेष बात ज़रूर होगी। जैसे ही मैं ईश्वरीय सेवा केंद्र पहुँची तो वहाँ के शांत एवं पवित्र वातावरण के अलौकिक आनंद में खो गई। सफ़ेद लिबास में लिपटी एक आदमजादी अर्थात ब्रह्मा कुमारी आई। गुल के समान खिला चेहरा, नैनों में रूहानी प्यार छलक रहा था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वहाँ लगे चित्रों को समझाया। चित्रों से तो वह हिंदू आश्रम लगता था। किसी दूसरे धर्म के बारे में वाकफियत हासिल करना कोई गुनाह और बुरी बात नहीं है, ऐसा सोचकर मैं आदमजादी के प्यार भरे आग्रह को टाल ना सकी और दूसरे दिन से कोर्स करना आरंभ कर दिया तथा खुदा के मधुर अल्फाज, जिसको वे लोग मुरली कहते हैं, मैं वह मुरली भी सुनने लगी। इस बाबत मैंने अपने लौकिक बड़े भाई साहब से जिक्र किया तो वे बौखला गए और मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाने की सख्त हिदायत दी। एक बार की बात है, जुम्मे रात को मैं अमृत वेले स्नान आदि कर आश्रम जाने के लिए तैयार हो रही थी तो भाई साहब को भनक लगी। वे अपने कमरे से बाहर आए और मुझसे बोले, यदि आज आप आश्रम गईं तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ऐसा कहकर वे तलवार लेकर आंगन में ही बैठ गए। मैं अपने कमरे में चली गई और सर्वशक्तिवान परवरदिगार को याद करने लगी और उनसे रूह रिहान करने लगी। ऐ मेरे मौला, आज जुमे रात के रोज़ मैं आपके नाम कुर्बान होने जा रही हूँ। तब मेरे मौला ने मुझको कहा, बच्ची मैं सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त तुम्हारे साथ हूँ, यह तो खेल है, खेल में घबराते थोड़े ही हैं, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर आई तो भाई साहब वापस अपने कमरे में जाकर सो गए थे और मैं बाबा का शुक्रिया अदा करती धीरे से आश्रम के लिए निकल गई। उस दिन से मेरे दिल में सदा एक ही बात विशेष रूप से इस स्मृति में बार बार रहने लगी, फानूस बन के हवा जिसकी हिफाजत करें, वह शमा ही क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी अटूट लगन तथा हिम्मत को देख 1 वर्ष बाद मुझे अपने रूहानी अब्बा का प्यारा वतन माउंट आबू आने की इजाज़त मिली। यहाँ आकर मैंने खुदा से रूबरू मुलाकात की।
मेरी अनेक जन्मों की तमन्ना भी पूरी हुई, फिर भी दिल में एक और तमन्ना बाकी थी। वह यह थी कि मुझे भी खुदा अपनी खिदमत करने का मौका देते तो मैं कितनी सौभाग्यशाली होती। मेरी अर्जी मेरे माशूक ने कबूल कर ली और थोड़े ही दिनों बाद ब्रह्मा कुमारी आरती बहन से प्रेरणा पाकर खुदाई खिदमत में हाजिर हो गई। आज मेरे दिल से सदैव यही गीत निकलता है कि धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए, गा रही ये जिंदगी काम उनके आ गए। ओम शांति। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। कॉपियों किताबों से निकले हुए पन्ने या फिर प्रिंट आउट के लिए इस्तेमाल किए गए पन्नों को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। इनको बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए इनकी भी बचत करें। एक तरफ से खाली पन्नों को लिखने के लिए इस्तेमाल करें या फिर घर के हिसाब किताब के कामों में इस्तेमाल करें। कोई लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको एकत्रित करके एक कार्डबोर्ड में लगाकर स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनको यूज़ कर सकते हैं। ओम शांति।